हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के सीख कबाब, जो मार्केट से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही यमी होते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है चिकन। चिकन का ये हमने कीमा लिया, ये हमारा हाफ केजी है। इसको हमने धो के अच्छे से खुद सुखा लिया था। इसको हमने 3-4 घंटे पहले धो के और जाली में रख दिया था ताकि इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए। और अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है, इसको महीन महीन काट लिया है, 2-3 हम हरी मिर्च डालेंगे, इनको काट के इसमें डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हमने लिया है पुदीना, ये पुदीना के पत्ते इन्हें हमने काट लिए, 2 टेबल स्पून हमने लिया है हरा धनिया, इनको भी हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और साथ ही साथ इसमें जाएंगे कुछ मसाले। इसमें हमने डाला 1 टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं तो लाल मिर्चें हम थोड़ी सी कम रखेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसके साथ ही साथ डालेंगे इसमें हम 1 नींबू का रस, और 2 टेबल स्पून हमने लिया है भुना हुआ बेसन, या आप भुने हुए चने का पाउडर भी ले सकते हैं। और इसके साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। तो चलिए इसको हम पहले पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चिकन को हमने बहुत अच्छे से देखिए ग्राइंड कर लिया है और सब चीजें बहुत आपस में बिल्कुल मिल गई हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून बटर, और बटर को भी मिक्स कर लेंगे। बटर इसमें आप जरूर डालिएगा, क्योंकि इससे जो टेस्ट होता है वो तो अच्छा आता ही है, और साथ ही साथ चिकन ड्राई होता है और चिकन में अपना कोई फैट नहीं होता, इसलिए अलग से फैट डालना इसमें ज़रूरी होता है। और बीच में अब एक हम होल बनाएंगे, कटोरी जैसी रखने की जगह बनाएंगे, और कोई स्टील की आप कटोरी ले लीजिए या इस तरह आप फॉइल की कटोरी ले लीजिए। इसमें हम रख देंगे चारकोल का पीस जिसको हमने दहका लिया है, और इसके ऊपर हम डाल देंगे बटर का धुआं लगाने के लिए, और ढक्कन लगा देंगे। इसको 2 मिनट या 1 मिनट के लिए आप रहने दीजिए। अगर आप हल्का धुआं लगाना चाहते हैं तो बस 1 मिनट रखिएगा, और ज़्यादा आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप इसे 2 मिनट यूं ही ढक के रखे रहने दीजिए। 2 मिनट के लिए चिकन के इस मिक्सचर को हमने यूं ही ढक के छोड़ दिया। और अब इसकी प्लेट हटा देते हैं, और अब इसमें जो हमने ये बाउल रखी है ये भी हटा देंगे, और एक बार फिर से इसको मिक्स कर देंगे। और अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए कम से कम आप आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो आधे घंटे के बाद फिर इसके हम सीखे तैयार करते हैं। चिकन के कीमे को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो गया, और अब इसके हम सीखे तैयार कर लेते हैं। तो आप सीखे तैयार करने के लिए या तो आप इस तरह की वुडन स्क्वीवर्स, वुडन सीखे ले लीजिए, या अगर आपके पास नहीं है तो आप ये एक स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, इससे भी आप सीखे तैयार कर सकते हैं। तो हाथों में हल्का पानी लगाएंगे, और हल्का पानी सीख पे भी लगा देंगे, या ये जो स्ट्रॉ हमारी इस पे लगा देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, और इस पे स्ट्रॉ पे लगा के इसे बराबर से पूरा फैलाते जाएंगे, और आगे पीछे से भी इस तरह बराबर कर देंगे हाथों से, बिल्कुल ऐसे पतला सा करना है। ये देखिए सारी साइडों से इसको एकदम हमने बराबर से कर लिया है, और अब बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम निकालेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से एक सीख का कबाब बना के तैयार कर लिया है। इसको हम प्लेट में रख देंगे, और बाकी के कबाब भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। और ये 1/2 kg के चिकन के कीने में हमारे 16-17 कबाब निकल आए हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे कि इनको शैलो फ्राई करेंगे। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और कबाबों को इसमें फ्राई करेंगे। और इन्हें चारों तरफ से उलट पलट कर अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। कबाबों को हमें तेज आंच पे फ्राई करना है, स्लो पे नहीं करेंगे बस, लेकिन ख्याल रखेंगे कि ये जलने ना पाए, और इनका जो कलर है चारों तरफ से खूब अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाए। कबाबों में हमारे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, और ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे, और बाकी के सारे कबाबों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। सारे कबाब हमारे फ्राई हो जाते हैं, फिर उसके बाद इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं। मेरा ये
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।